हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाजर और हरी प्याज से कार्विंग बनाएंगे। सबसे पहले गाजर पर सर्कल मार्क करें। सर्कल को मार्क करने के बाद उसके बाहर के पोर्शन को कट करके निकाल दें। छह कट्स बनाएं, क्योंकि हमें छह पेटल्स बनाने हैं। यहाँ पर हमने छह पेटल्स बनाई हैं। छह पंखुड़ियाँ बनने के बाद हम दो पंखुड़ियों के बीच का पोर्शन कट करके निकाल देंगे। इसी तरह सारे पंखुड़ियों के बीच का पोर्शन कट करके निकाल दें। हमारी पहली रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकेंड रो बना रहे हैं। सेम प्रोसेस को रिपीट करें। दो पेटल्स के बीच नई पेटल्स बनाएं और दो पेटल्स के बीच का पोर्शन कट करके निकाल दें। अब हम अगली रो बना रहे हैं। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फूल को कंप्लीट करें। अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। गाजर के निचले हिस्से पर नाइफ से थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे। अब हर एक पेटल्स पर बीच का पोर्शन कट करके उसे निकाल देंगे। हर एक पंखुड़ी पर से छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल दें। यह डिजाइन बनाने के लिए मैंने छोटे वाले गाजर लिए हैं।
अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम हरी प्याज से कर्ल्स बनाएंगे। प्याज को कट करें और बीच में नाइफ से कट्स लगा दें। स्कीवर को यूज करके हर एक पत्ती को कर्ल करें। इस तरह गोल गोल घुमाकर उसके कर्ल्स बनाएं। अब इसे ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए डाल दें। सजावट के लिए हम पत्ता गोभी के पत्तों को यूज करेंगे। इसे बेसिक शेप में कट करें और हरी प्याज और गाजर के साथ सजाएं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।